वो प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस भी उन पर गुंडागर्दी कर रही है, इस मामले को क्या कहना है? देखिए, छात्रों का ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो विरोध करें, लेकिन आज पूरे देश में, सिर्फ ये बिहार की बात नहीं है, पूरे देश में आप देखिए, जहां भी छात्र सड़कों पे उतर रहे हैं तो भाजपा की सरकार उन पे लाठी चला रही है, गोली चला रही है। आंसू गैस के, जैसे गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन पे लाठीचार्ज किया गया। ये सरासर दिखाता है कि देश के अंदर और बिहार के अंदर जो जनतंत्र की हत्या हो रही है, ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये पूरी तरीके से जनतंत्र की हत्या कर रही है। आप देखिए कि ये रेलवे एक ऐसा सेक्टर था जहां सबसे ज्यादा नौकरी की वैकेंसी होती थी, लेकिन आज जो ये सरकार है वो कॉरपोरेट, कुछ चंद कॉरपोरेट के हाथों में सौंपने की योजना बनाई हुई, और उसी क्रम में ये सारे जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ये सब उसी क्रम में। हम सभी छात्र युवा संगठन SFI और तमाम DYFI, आयशा, AIYF, AISF, ये सब इन छात्र आंदोलन के साथ खड़ी है और एकजुटता प्रकट करती है। और हम आह्वान करना चाहते हैं बिहार के छात्रों से, नौजवानों से, कि कल जो हमने बिहार बंद का आह्वान किया है, इसे व्यापक रूप दें और इसे सफल बनाएं। और हम उस आंदोलन को अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो और एक बड़ा रूप हम देंगे। जिस तरह रेलवे को क्षति पहुंचाया गया है, उसको लेकर क्या कुछ कहें? देखिए, जो रेलवे को क्षति पहुंचाया गया, ये कुछ असामाजिक तत्व होंगे जो ये किया है। हमारे छात्र आंदोलन का ये हमले से कोई, और ये हम उसका ये नहीं करते, समर्थन करते हैं उस क्षति का, वो असामाजिक तत्वों द्वारा वो किया गया। इसे राजनीतिक रूप देने की जो सरकार है वो कोशिश कर रही है, इसे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। कई टीचरों पे और स्टूडेंट पे भी जो है केस दर्ज हो चुका है, नामजद और बगैर नामजद का भी, उसको नहीं, ये सरकार इसे वापस ले। ये हम कहेंगे कि वो जो मुकदमे हुए हैं वो गलत तरीके से मुकदमा हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ आज की बात नहीं। आप देखिए, जब से ये भाजपा की सरकार बनी है, जब UAPA जैसे कानून को बनाकर ये किस तरीके से जो डेमोक्रेटिक राइट्स जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन पे हम जो उठाते हैं उनको किस तरीके से अंदर करने की साजिश हो रही है, तो ये हम कहेंगे कि सरकार इस मुकदमे को वापस ले, अगर नहीं लेगी तो हम लोग और बड़ा आंदोलन करेंगे। रिपोर्टर बहुत है।